हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट होम क्रिएटिविटी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा की होल्डर। ये की होल्डर मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, बस मैंने कुछ चेंजेस किए हैं इसमें क्योंकि ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो इसका मैंने दोबारा से मेकओवर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये वाला की होल्डर मैंने आपके साथ पहले भी इसका वीडियो शेयर किया था। ये मैंने क्लिपबोर्ड से बनाया है, जो क्लिपबोर्ड बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए लेते हैं ना, वही वाले क्लिपबोर्ड से मैंने इसको बनाया है। आधे को कट कर लिया था इस तरह से इसको ऊपर लगा के, और नीचे मैंने छोटी छोटी केल्स लगा दी थी, पर मुझे इसका कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसका मेकओवर किया जाए। तो मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया था और इसको इस शेप में कट कर लिया था, और ग्लू की हेल्प से इसको इस तरह से यहाँ पर लगा दिया था। आपके पास फेविकोल है तो आप उसका यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। और एक मैंने इस तरह से डोर के शेप में इसको कट करके यहाँ पे स्टिक कर दिया है, और ऊपर बना दी है मैंने इसकी छत, उसको भी मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाया है। बिल्कुल ही सिंपल है इसे बनाना, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। और उसके बाद मैंने ली है क्ले, और क्ले की बना ली है मैंने एक पेल जैसी, और उसको भी इस तरह से मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अगर आपके पास क्ले नहीं है तो आप यहाँ पे बॉल पुट्टी का यूज़ भी कर सकते हैं, या तो आप कोई पेपर ले लें, उसकी ऐसे पतली पतली सी स्ट्रो जैसी बना लें और उसको इस तरह से यहाँ पे लगा दें, उससे भी काम हमारा इजी हो जाता है। तो उसके बाद मैंने कुछ फ्लावर्स बनाए हैं इस शेप में, और उनको भी इस तरह से यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद मैंने बनाए हैं कुछ पत्तियाँ, ये देखिए इस तरह से मैंने इनको यहाँ पे लगा दिया है। अगर आपके पास कोई भी इन दोनों में से बॉल पुट्टी और या क्ले अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो बर्ड भी बनाए हैं, बाद में मैं इनको इसके हट के ऊपर लगाऊंगी। देखिए इनको मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है, और उसके बाद मैंने लिए आइसक्रीम स्टिक्स, इनको मैंने हाफ में कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लू लगा दी है, और उसके ऊपर मैंने लगा दी है क्ले, क्योंकि इसके बीच में फिर मुझे इन स्टिक जो आइसक्रीम की स्टिक है ना, उनको इसके अंदर लगाना है ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। ये देखिए मैंने इस तरह से इनको लगा दिया है। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ जो हमारी सिंपल मिट्टी होती है ना, जो चिकनी मिट्टी होती है, उसके कुछ वीडियोस भी शेयर करूँगी। तो उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो मैंने पहले से ये स्वीट होम लिखा था ना, उसी के ऊपर दोबारा मैंने क्ले को लगा दिया है। इस तरह के क्लिपबोर्ड तो हमारे घरों में बच्चों के मिल ही जाते हैं सभी के, क्योंकि बच्चे थोड़ा टाइम यूज़ करते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनका यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है हमें ज़्यादा इसमें, इसको बस ऊपर से कट कर लेना, और कट करने के बाद इस तरह से जैसे मैंने इसको लगाया है ना, इस तरह से लगा देना है, और हल्की हल्की कील इसके पीछे में लगा देनी है ताकि वे अपनी जगह से कहीं भी ना हिले। उसके बाद इसको हैंग करने के लिए मैंने ली है ये जो हुक्स मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये जो कोल्ड ड्रिंक के कैन आते हैं उनके ऊपर उनकी कैप जैसी होती है, उसका यूज़ मैंने यहाँ पे किया है, और इसको मैंने क्ले की हेल्प से यहाँ पे चिपका दिया है, क्योंकि क्ले काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये कहीं भी नहीं हिलेंगे। फिर दोनों साइड मैंने इसी तरह से लगा दिया है, और ऊपर अब मैं ये बर्ड मैंने बनाए थे ना, वो सूख गए हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो उसके बाद मैंने बनाया है बॉल पुट्टी का पेस्ट, और इसको यहाँ पे मैंने नाइफ़ की हेल्प से लगाया है। नाइफ़ से अच्छी तरह से नहीं लग रहा था, तो बाकी मैंने हाथ की हेल्प से ही इसको लगा दिया है, क्योंकि मेरे वीडियोस आप देखते होंगे कि मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, जो मुझे सिंपल लगता है, ठीक लगता है, मैं उसी को यहाँ पर यूज़ करती हूँ। और इसके ऊपर ब्रिक्स का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने किया है स्पंज का यूज़। स्पंज के ऊपर थोड़ी थोड़ी बोल पुट्टी में इस तरह से लगाई जा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसका डिज़ाइन बना दिया है। अगर आपके पास इस तरह के स्पंज नहीं है तो आप किसी और चीज़ का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की इरेज़र आती है ना, उसका यूज़ भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और बारी आती है कलर की, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, जो आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। रूफ पे मैंने कर दिया है ग्रीन कलर।
और बाकी जो मैंने ये हाउस बनाया है ना उसके ऊपर कर रही हूँ मैं ब्राउन कलर, फ्लावर्स के ऊपर कर दिया है रेड। डोर पे मैंने किया है ब्लू कलर। आप चाहें तो इसको एक कलर से भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर बनाए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा ये कलरफुल ही बनाना था। तो ये जो आइसक्रीम की स्टिक से मैंने ये जो बाउंड्री बनाई थी ना इसके ऊपर मैंने येलो कलर कर दिया है, बड़ा ही सुंदर लग रहा था ये बनने के बाद। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास इस तरह का कोई क्लिपबोर्ड नहीं है तो आप कार्डबोर्ड से इसको आराम से बना सकते हैं। बस आपको दो तीन लेयर लगा के कार्डबोर्ड को थोड़ा थिक कर लेना है और उसके बाद ये कहीं भी नहीं जाता है। और उसके बाद मैंने लिया है सिल्वर कलर, इसको भी मैंने मिक्स नहीं किया था, मुझे थोड़ा ही चाहिए था तो मैंने इस तरह से फिंगर की हेल्प से इसको यहाँ पे लगा के ये जो मैंने स्वीट होम लिखा है ना उसके ऊपर मैंने कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से दिखाई दे। ये देखिए ये भी हो गया और फिर उसके बाद डोर पे थोड़ा सा डिजाइन मैंने बना दिया है। आप मेरे जितने भी वीडियोस देखोगे उसमें ज़्यादा कोई भी तामझाम नहीं होती, वो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बनने के बाद ये बड़ा ही सुंदर लग रहा था। जब आप इसको बना के अपने घर में लगाओगे ना तो हर कोई पूछेगा भाई ये कहाँ से लिया आपने। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अपने सेकंड DIY के लिए मैंने लिया है एक एयर फ्रेशनर। ये देखिए ये कार्डबोर्ड का ही होता है और ये टूट गया था तो मैंने इसके लिए मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। मोल्डेड क्ले को मैंने मिक्स कर लिया है और इस तरह से इसका रोल कर लिया है और इसको इसके ऊपर रख के मैंने इसी की शेप में ही क्ले को कट कर दिया है। आप यहाँ पे नाइफ का यूज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर लगा दी है ग्लू। ग्लू लगाने के बाद मैंने इसी को इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। आपके पास क्ले नहीं है तो यहाँ पे आप पुट्टी का यूज़ भी कर सकते हैं और साइड से भी अच्छी तरह से मैं इसको सेट कर दूँगी। और इसके अंदर लगा दी है मैंने एक कील और इसको भी थोड़ा ये कहीं हिले ना उसके लिए मैंने यहाँ पर लगा दी है क्ले। ये देखिए सूखने के लिए छोड़ दिया था। सूखने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर किया है ग्रीन कलर। ये भी मैं यहाँ पे एक की होल्डर ही बनाने जा रही हूँ। ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही हमारे पास पड़ा हुआ था, इसकी भी खुशबू भी ख़त्म हो गई थी तो मैं फेंका नहीं मैंने इसको। मैंने सोचा चलो इसका यूज़ मैं कहीं ना कहीं जरूर करूँगी। तो दूसरा की होल्डर बनाते बनाते मुझे आइडिया आया और मैंने इसका भी की होल्डर ही बना दिया। इसके ऊपर मैंने लिख दिया है कीप स्माइल। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।